संकल्प और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो संकल्प शिविर उदयपुर में लगा था उसमें ये तय हुआ था कि हमने किस तरह से इस दिन को मनाना है। उसमें उसके निर्णय के मुताबिक हमें 9 तारीख को एक पदयात्रा का प्रोग्राम दिया हुआ है कि 75 वर्ष हुए हैं आज़ादी को मिले हुए, तो 75 वर्ष की पदयात्रा का 75 किलोमीटर की पदयात्रा का निर्णय लिया। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ आप भी समझते हैं कि 75 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच एक जगह से करना बड़ा मुश्किल है और आज के समय में बड़ा मुश्किल है। मेरी अपनी राय है, उस पर आपने अपने अपने सुझाव दे दिए। मेरी अपनी राय है कि हम 75 को, क्योंकि हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो हम 15-15 किलोमीटर एक एक विधानसभा क्षेत्र को मर्डर कर दिया है, आपने चोरी कर दी है, इस तरह के लोग गिरफ्तारी नहीं सकता कि हम आपके जो मुद्दे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, आपके खिलाफ जो गठबंधन नीतियाँ ये सरकार अपना रही है उसके खिलाफ हम जोरदार प्रदर्शन करके हम इन मुद्दों को टेकअप कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। उसमें हमें जन समर्थन भी मिलेगा क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, इसका हमें भारी एक फायदा मिलेगा, काफ़ी फायदा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि यह सरकार हमने बार बार तो आपने देख लिया कि हमने प्रोटेस्ट रैलियाँ भी की, विरोध प्रदर्शन भी किए, तो उसके लिए उसके प्रोटेस्ट में सरकार के अगेंस्ट अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। तो ये कार्यक्रम परसों का है, तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि हमने परसों गिरफ्तारियाँ देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिरफ्तारियाँ, वो राजनीतिक गिरफ्तारियाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं, तो वो नॉमिनल साहब को वहाँ ले जाएंगे और छोड़ देंगे, बस यही गिरफ्तारियाँ होती हैं। और वो कम से कम हम उत्साह से मनाएंगे क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो ये कार्यक्रम तो एक हुआ। और दूसरा कार्यक्रम जो वर्षों का है, वर्षों 5 तारीख को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये आपके अग्निपथ और दूसरे जो कार्यक्रम है, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ हमने ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है, हमें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। हमें उसमें कहा गया है कि एन ब्लॉक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें झंडा सलामी होगी और हम इसको स्वतंत्र